अरे हम बोल रहे हैं इधर, थोड़ा इधर, हाँ ये साइड, ये साइड, थोड़ा पीछे, बस हो गया तुम्हारा। थैंक यू जी, कुर्सी ले लो। अरे अरे यार लाइट चालू तो करो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, तेजस, ए तेजस, मैं आ रहा हूँ खड़े होकर घर में। बोल तू समझ में आ गया? ये पूरा स्टेज में कौन मतलब कहाँ से आया? ये चेयर तो मैं इधर बैठ के सोने हूँ। चलो बना दो, तो उठे तुम भाई इधर बुला ना, तो इधर जय 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 जी। हेलो, हाय, थोड़ा पीछे होना रे। कांग्रेचुलेशन, ज़्यादा साल बाद के आज की शाम आप प्रेजेंट, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम इस एक साल का आप ज़्यादा साल बाद के को लेकर? वेल दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर, मैं इससे पहले कभी एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आया नहीं था। आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो दिस ईयर आई एम होस्टिंग दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन एंड वेरी एक्साइटेड। सोचा नहीं था कि कोविड के चलते ये सब इवेंट्स अभी हो पाएंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरी वन इज़ फाइटिंग बैक। सब अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल में हो जाए। जब सब कुछ नॉर्मल में हो रही है, हमारी ट्रेन बस अभी सब कुछ एकदम इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं, वैसे ही अगर ये इवेंट इंडस्ट्री भी वैसे ही वापस फ्लरिश हो जाए, इट्स वेरी गुड थिंग। क्योंकि दादा साहब फाल्के की बात होती है, आज की शाम आप रोज कर रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जय भारत सर? नो, इट्स ऑलवेज अ रेड कर, लाइट चालू कर दीजिए या प्लीज चालू बंद मत करें। It is definitely a privilege to host this award function. हम कितनी भी award show कर ले, it's a privilege to you know host this award function. And हम चाहे कितने भी award shows कर ले, लेकिन जब father of the nation, जो father of cinema की जो हम बात कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के जी, अगर उनके लिए कुछ हम you know उसमें कहीं एक हिस्सा बन सके उनके एक celebration में, it's always a pleasure. यू नो सर, आप लंबे, आप एक बात चालू हो गई कि हमने देखा सर कि ढेरों ढेरों सारी पर्सनैलिटी के ऊपर बायोपिक बन रही है, क्यों नहीं बनना चाहिए? मतलब आई थिंक यू नो ही इज द वन, ही इज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ हिंदी सिनेमा, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा टू सी हाउ यू नो थिंग्स हैपन वैन यू नो ओल्ड फुटेजेस अगर समझो उनके साथ में मैच करके एंड लाइक यू नो देयर होल फैमिलीज एंड लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल हाउ यू नो फर्स्ट मेड इज फर्स्ट फिल्म, आई थिंक वो बहुत ही कमाल का यू नो एज अ व्यूअर एज अ यू नो कौन यू नो पर्सन आई वुड लव टू सी दैट। थैंक यू सो मच। बोले सबका, बोले फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सोनिया मीना, आई एम डेप्यूटी सेक्रेटरी टूरिज्म एंड एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर इन द मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, एंड दिस ईयर वी हैव कम फॉरवर्ड एज अ स्पॉन्सर ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड. Of course for us this award ceremony holds a lot of importance because Dada Saheb Phalke is the father of Indian cinema, and an award ceremony which is instituted in the memory and in the name of Dada Saheb Phalke, for us to be sponsoring this event, for us to be participating in this event is a matter of honor. Through this event we also aim to promote Madhya Pradesh as a filming destination among the filmmakers in Mumbai. You know, NPD Tourism ki aap chairman picture hai ya aap jo hai dada saheb phalke wahan par jo organize kiya jaye ya aur kis tarah se promote kiya jaye, aise kuch planning hai, kuch planning chal rahi hai aapke dimag mein aisa kuch?
क्यों नहीं, ये इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं इस बार, जैसा कि मैंने कहा पहली बार हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखने का मौका मिलेगा इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, तो क्यों नहीं अगले वर्षों में हम लोग भी विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसको क्यों नहीं हम लोग आयोजित करें। पहले मैं आपको अपना परिचय कर दूं, मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो हम यहां पर एक कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके इसमें साझेदारी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आज पहली बार मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अंग है, पहली बार इसमें कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके साझेदारी के साथ काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारी ये साझेदारी और बढ़ेगी। कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए मुंबई जैसे शहर में दादा साहब आपके ऑर्गेनाइज किया जाए? नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि अभिषेक जी और उनकी टीम ने की है कि इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल एक यहाँ भी किया जा रहा है, और मेरी तो ये शुभकामना है कि इसको ऑस्कर जैसी प्रख्याति मिले और हम सभी को मिलकर इसमें सहभाग देना चाहिए। और हमने अभी 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के जी की पुण्यतिथि थी, तो हमने अपने कैंपस में भी, गोरेगांव फिल्म सिटी ऑफिस में भी, एक बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देके उनके परिवार के सदस्य और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ कार्यक्रम किया। थैंक यू। मैं छत्तीसगढ़ राज्यों से एमडी टूरिज्म हूँ और हम इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड को स्पॉन्सर कर रहे हैं जस्ट टू प्रमोट नेचुरल ब्यूटी एंड नेचुरल। देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप इन छत्तीसगढ़ फॉर फिल्म टूरिज्म एंड इस अवार्ड के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड के स्टार के जो डायरेक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो हमारे स्टेट में आके जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करें और फिल्म टूरिज्म का एक मौका प्रशस्त करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आगे आ जाइए माइक के पास। हाँ जी, थैंक यू। दादा साहब, सबसे पहले तो हम लोग हैं रूहानी सिस्टर्स और हम लोग जानी जाती हैं सूफियाना गायकी के लिए, और बहुत ही शुक्रगुजार है कि आज हमें दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड में हमें सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है और हमारी छोटी सी परफॉर्मेंस भी है। वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, खुशकिस्मत बहुत महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इस लायक हमें समझा गया, इतने एस्टीम प्लेटफॉर्म पे हम लोग को परफॉर्म करने दिया गया, और बस यही चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की इज्जत रख पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो हम सूफियाना कलाम जो ऑथेंटिसिटी उसकी फैलाना चाहते हैं वो लोगों तक, आवाम तक पहुँच पाए। डेफिनेटली। दो लाइनें आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, उन जैसा कोई ना हुआ और ना कहीं नहीं होगा, तो हम हमेशा चाहेंगे कि अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा आजा परदेसिया तेनु वास्ता ही प्यार था। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आए, अवतरित हो और इस फिल्मी जगत को जो उन्होंने इतनी बड़ी भेंट दी उसको और ज़्यादा वो आगे लेकर जाएं और हम आसमान की बुलंदियों को और भी छूएं। अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, ओ सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया। पार्टिसिपेट किए हैं और सर कुछ कहना बोलना चाहते हैं तो सर पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? या आई एम फ्रॉम द झारखंड गवर्नमेंट, वी आर रिप्रेजेंटिंग टूरिज्म हियर। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द फिल्म इंडस्ट्री टू द झारखंड। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन इन झारखंड, इवन द कोविड ऑल्सो वेयर टू द फिल्म्स आर गोइंग ऑन प्रेजेंटली। द प्लेसेस लाइक यू नो नेत्रहाट विच आर वेरी फेमस, आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरीबडी टू द झारखंड। थैंक यू।
काफ़ी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया और ऑलमोस्ट 2 महीने में 50% ग्रोथ हो गई थी हमारी, विच वॉज नाइस. तो वी हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ZEE5 फ्रॉम द कंज्यूमर एज वेल एज फ्रॉम द ओवरऑल इंडिया ऑडियंस, एंड वी आर हैप्पी विद द प्रोग्रेस वी आर मेकिंग. 2021 की अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ नया जिसके लिए ZEE5 जाना है? ZEE5 इंडिया के रियल हार्टलैंड की स्टोरीज के लिए जाना जाता है और हम उसी में डबल डाउन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंडियन ऑडियंस के लिए लाएंगे ताकि हम लोग ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें और ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहे. तो यही ऑब्जेक्टिव रहेगा 2021 का. आई थिंक इट्स अ वेरी प्रेशियस प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड पीपल वैल्यू इट, एंड दादा साहेब इज द काइंड ऑफ फादर ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. So we are all very happy to be associated with Dada Sahib Phalke Awards. जगत के पितामह का नाम जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पैंडमिक ने कमर तोड़ के रखी है, और इस तरह का जब अवार्ड फंक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन का काम करता है. तो फिर से याद दिलाता है हमें कि शो मस्ट गो ऑन. एक अलग तरह से भी तो बैंग यू केम बैक, डू यू स्टिल हियर? बट स्टिल मैं तो वही हूँ. तो कई बार क्या होता है तो सिनेमा, ये इंडस्ट्री बड़ा फेयर है, तो इंडस्ट्री बहुत फेयर इसलिए भी है क्योंकि आपके सक्सेस और फ्लॉप से ना आप जज नहीं करते इंडस्ट्री आपके हुनर को. तो मैं तो ऐसे ही बनाते रहूँगा, कई बार चल जाते कई बार नहीं चलते. बेटा जी उस वक्त जिस वक्त भगवान नगर में पिक्चराइज हुआ था वो गाना, वो इतना मकबूल नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ, लेकिन फिल्म में उसका भी उसको इस्तेमाल करा गया और कम से पार्टी का अलग रूप देखने को मिला. वाकई उस वक्त भी बहुत फेमस हुआ था ये गाना, और क्योंकि मुझे याद है मेरे पास LP होता था उस फिल्म का, अलमेरा का, तो उसमें तीसरे या चौथा नंबर गाना ये था. तो ये बचपन की यादें हैं जो हार्डवेयर में फिट होती है, उसके फिर तो बहुत आ जाती बाहर. What's that?
really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show and I'm really looking forward to being here. And there's a couple of movies coming out of mine this year and I hope you guys enjoy them. It's not for a role. No, ये तो क्वारंटाइन भी होगा दिए तो अभी दो फिल्में आ रही हैं एक का नाम है कबाड़ दूसरा का नाम है कोट और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी तो जो एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू